ये है मेरी चाय। इसमें मुश्किल से मतलब चार घूंट आते। आप आइडिया लगाओ इतना सा कप है, छोटा सा। पता नहीं व्लॉग में कितना दिख रहा होगा। तो मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हुड़क भी पूरी हो जाती है चाय की। फिक्की चाय बनाई है मैंने। से पहले उठ के चाय बनाना और उसके साथ ही जो खाने में बनेगा उसकी भी तैयारी मैं कर लेती हूँ। ऐसा करने से ना मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता है। और अब मैंने, आज मेरा दूसरा दिन है, मैंने सोचा है कि मैं छोटे से कप में चाय पिया करूँगी ताकि मैं कम चाय पी पाऊँ। सुबह उठते ही ना पहले मैं ये जो सोफ़ा थ्रो होता है, कुछ भी सोफे पर सामान होता है ना, उसको उठा देती हूँ, क्योंकि रात को एसी ऑन होता है, हम लोग काफ़ी देर तक इधर ही बैठते हैं, ये अपना काम कर लेते हैं और मैं टीवी देखना है, कुछ भी करना है, हम सोफे पर बैठते हैं, तो फिर एसी की वजह से ना थोड़ा ठंडा हो जाता है। आजकल हर दिन अब थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर अच्छा होना शुरू हो गया है। तड़के लगाने में ना मुझे ज़्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि मैं सारा सामान कभी कभी इकट्ठा ही कर लेती हूँ मिक्सी में ग्राइंड, और फिर उसको लगाना आसान हो जाता है। मसालेदानी हमारी ना, हल्दी और लाल मिर्ची इकट्ठी होगी ना, पता नहीं क्या हो जाता है, कभी कभी इतनी बिखर जाती है। तो मैं कोशिश करती हूँ 15-20 दिन के बाद कि मसालेदानी को अच्छे से साफ़ कर पाऊँ। और आज ना मेरे को कुशन कवर धोने हैं, फर्स्ट टाइम इनको वॉश कर रही हूँ। 5-7 दिन हो गए थे इसलिए वॉश कर रही हूँ कि एक बार चेक कर लूँ कितना कपड़ा सिकुड़ रहा है, कैसे है। तो मेरे को ना होता है कि मैं जितने हाथ से कपड़े धो पाऊँ उतना सही है, क्योंकि छोटे से कपड़ों के लिए वॉशिंग मशीन में लगाना तो सही बात नहीं है ना। तो मैं कोशिश यही कर रही हूँ कि मैं हाथ से धो पाऊँ। कुशन कवर हो गया, मेरे कुछ महंगे कपड़े हैं, या मुझे लगता है एक ही कपड़े के लिए क्या वॉशिंग मशीन लगानी, तो इस तरह से थोड़ी बहुत बचत जो है मैं इस तरीके से कर लेती हूँ। और पाउडर सर्फ मैंने रखा होता है, उसके साथ थोड़ा डिप करके फिर मैं अपना जो कपड़े वपड़े धो भिगो लेती हूँ, फिर हैंड वॉश करके उसको निकाल लेते हैं। और अब ना मुझे आटा बना के रखना है। आजकल मैं घर का काम थोड़ा सा जल्दी फिनिश करने की कोशिश इसलिए करती हूँ क्योंकि उसके बाद फिर मुझे घर पे बाकी जैसे मतलब वो लोग आ रहे हैं, तो बाकी जो भी मेरे को पेंडिंग काम लगता है, इतना बड़ा घर है हमारा 3 BHK, तो फिर उसमें बहुत सारा छोटू काम निकल ही जाता है। तो इसलिए मैं खाने का काम ना जल्दी से फिनिश करने की कोशिश करती हूँ और आटा बना के रख दूँगी और रोटी बनाऊँगी मैं अपना जो बाकी काम है उसको फिनिश करने के बाद। और मेरे को एक ना पार्सल का इंतज़ार है कि वो कब आएगा, तो उसी को मतलब इंतज़ार करते करते आज थोड़ा सा काम मेरा डिले हो गया, अदरवाइज़ मैं सुबह उठ के शायद अब तक तो फिनिश भी कर लेती। इस तरह से रोज़ क्या बनाना है ये रोज़ की मेरी चिंता ख़त्म ही नहीं होती है। आप लोग क्या बनाते हो यार रोज़, प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताना। वॉशिंग मशीन में कुछ कपड़े लगाए थे तो उसको भी अभी टाइम लगेगा, और मौसम तो आज बहुत अच्छा है, धूप वाला, तो धूप वाले मौसम का फ़ायदा उठाती हूँ मैं। जो भी मेरे को लगता है ना, कारपेट धोना है छोटू से जो मेरे हैं, या डोर मैट धोने हैं, कुशन कवर धोने हैं, तो मैं देखती हूँ बाहर का मौसम कैसा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ना फिर वॉशिंग मशीन में धो लेते हैं, कुछ हाथ से धो लेते हैं। एनीवेज फटाफट से मेरी जो मिक्सी है वो उसको मैंने साफ करके रख दिया, उसके बाद मसालेदानी भी सूख गई है उसको भी रख दिया। मेरा किचन का ऑलमोस्ट काम खत्म हो गया, मुझे खाना बनाना है। तड़का लगा दिया मैंने और आटा बना के रख दिया, उसको ना थोड़ा ठंडा होने में समय लगता है। और आज मैं ना मतलब जैसे मैंने कुछ दिन पहले आपसे शेयर किया था ना कि मेरे को प्लास्टिक का जो भी सामान मेरे घर पर है, स्पेशली जिसमें मैंने दालें या कुछ भी किचन में स्टोर करके रखा है, उसको मुझे हटाना है। तो वैसे मेरे बस कांच का है ऑलमोस्ट, बट जो मेरे काले ढक्कन वाले डब्बे हैं ना, इसमें नमक है, दालें हैं, खाने वाली चीज़ें, तो मैं सोच रही हूँ कि धीरे धीरे करके उसको चेंज कर दूँ। तो आज मेरे पास सेट ऑफ 6 कांच के कंटेनर डिलीवर हो जाएंगे। तो स्पेशली मुझे नमक को आपने सुना होगा थोड़े दिन पहले, कुछ 15-20 दिन पहले, शायद 1 मंथ हो गया, एक न्यूज़ आई थी कि नमक में उनको लाइक कुछ पार्टिकल्स दिखे हैं। सो मतलब आप ना जब भी इंटरनेट स्क्रॉल करो आपको लगता है ये भी नहीं खाओ, वो भी नहीं करो। आई नो आजकल हेल्थ अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, बट ये आई थिंक मुझे पहले कर लेना चाहिए था कि प्लास्टिक को बिल्कुल कट कर लो अपनी लाइफ से। बिकॉज यू नो मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सब कुछ है ना, जितना हम कर पाए उतना तो कर सकते हैं ना,
दूसरी चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट, लोग मुझे बोलते हैं कि प्रियंका तुम नॉन स्टिक को भी पूरा वो करो, तो वो भी मैं ट्राई कर रही हूँ, वेट कर रही हूँ कि मेरे कंटेनर आए, उसके बाद मैं उसमें सामान वगैरह वॉश करके लगाऊँ, स्पेशली नमक वाले को। एंड यार नमक का न्यूज़ अगर आपने सुना है तो प्लीज़ मुझे बताओ, दूसरा वाले ना मैं खाऊँ क्या, चिंगी तो मैंने छोड़ दी, नमक कैसे छोड़ूँ यार। नमक के बिना तो थोड़ा सा वो लगता है अजीब। और एक मेरा पार्सल आया था तो मैंने मेरे हेल्पर को बोला कि आप पार्सल खोल दो, आपने चाय पिया? हाँ। पी लिया ना? हाँ, पी जो दूसरे वाले हैं ना ये, इनको वॉश करने को लगाना है और इसको झाड़ू पोछा लगाने के बाद लगाएंगे। एक्चुअली कुछ ना डोरमेट्स थे जो कि मेरे बहुत घिस गए थे, इसलिए मैंने दूसरे कलर के डोरमेट ऑर्डर करे थे, वो आए हैं। और दूसरी वाली जो हमारी बालकोनी है ना, उसमें कितना कबूतर आ रहा है, ये रोज़ साफ करने के लिए भाभी मुझे तो वॉमिट हो जाएगा। मतलब पता नहीं ना किस टाइम पे क्या था, इतना इतना खलारा होता है। और हमारे ए सी का रात में उसका एक खोता भी, वो जो तार है ना, तो ना मुझे खोता हो गया, बन गया। तो मुझे ना मैंने वो भी मंगाया फिर रात को, पीछे वाले उसको पूरा नेट से हम लोग कवर कर देंगे। जब तक मेरा पार्सल आता है तो मैं एक बात आप लोग के साथ में शेयर करना चाहती हूँ। विंग ऑन सोशल मीडिया फ्रॉम लास्ट टू लास्ट 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, कितना होगा, 6-7 years completed on social media. One thing जो कि I realized कि social media बहुत बार आपकी life को ख़राब करने में मतलब रोल प्ले करती है अगर आपका माइंडसेट सही नहीं है। इवन मेरे भी बहुत सारे लड़ाई हो जाती थी, हम लोग जब फेम मिलता है ना स्टार्टिंग में, और यू नो मैं एक हाउसवाइफ थी, सडनली मैं आई और मुझे फेम मिला, सब लोग मिले, मेरे को तारीफ मिली, तो थोड़ा सा वो डाइजेस्ट होने में टाइम लगता है। अदरवाइज़ बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म भी है, आप कर सकते हो, बट व्हेन यू गेट फेम तो उसके साथ बहुत सारी चीज़ें आती हैं, अच्छा लगता है, तारीफ़ सुनना किसको नहीं अच्छा लगता है ना। लेकिन अगर आप तारीफ़ सुन रहे हो तो अपने माइंड में एक चीज़ बहुत अच्छे से बिठा के रखो, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे जो आपको तारीफ़ कर रहे हैं उनके चेहरे नहीं है, हो सकता है वो आपके लाइक मतलब हो सकता है, और अब मैं भी उनको जानते भी हूँ है ना, तो जानते हैं बहुत लोग अच्छे भी हैं, मैं ये नहीं कहती हूँ कि सारे कमेंट करने वाले बुरे हैं, लेकिन जब अच्छा अच्छा सब बोलते हैं ना तो अच्छा लगता है, लेकिन जब क्रिटिसाइज होता है, बहुत बुरी बुरी चीज़ें बोलती है तो बुरा भी लगता है, तो हम उस चीज़ को टैकल नहीं कर पाते। उस वजह से मेरे साथ तो हुआ है ना, इसलिए मैं शेयर करना चाहती हूँ, और हो सकता है किसी की हेल्प हो जाए। बाकी हम सोशल मीडिया पर जैसे देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं या स्क्रॉल करते हैं, शॉर्ट्स देखते हैं, आप एकदम परफेक्ट लाइफ देखते हो, चाहे वो मेरी ही क्यों ना हो, लेकिन मैंने मेरी लाइफ में हमेशा रॉ चीज़ ऐड की है, मैं हमेशा ऐसे तैयार होके बन के नहीं आई हूँ कि मैं आपको वो दिखाऊँ, मैं मतलब स्क्रैच से यू नो कि बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करके तब आपके साथ ब्लॉग शेयर करती हूँ और अपनी लाइफ के हर अप्स एंड डाउन शेयर करती हूँ। बट समटाइम्स पीपल विल गेट लाइक उनको ऐसा लगता है कि इसकी लाइफ बहुत परफेक्ट है, कोई दुख नहीं है, दर्द नहीं है, ऐसा नहीं होता है, हर किसी की लाइफ में ना बहुत कुछ चल रहा होता है, बट इंटरनेट पे जो हम चीज़ दिखाते हैं, शो करते हैं, मैं हर किसी की बात नहीं करती हूँ, बट फिर भी आप वो चीज़ एग्जैक्टली आपका जो दुख है, दर्द है, आप परेशान हो, वो आप एग्जैक्टली नहीं दिखाते हो, तो आपको वही देखने को मिलता है और आपको ऐसा लगता है कि बहुत अच्छा उसकी ज़िंदगी में या मेरी ज़िंदगी में नहीं है। और समटाइम्स हम उसको देख के या मैं देखूँ मेरे साथ वाले कितने सारे लोग हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, वैसा कर रहे हैं, उनके पास ये है, उनके पास वो है, मैं उनको देख के परेशान हो जाऊँ, मैं उनको अगर सोचूँ कि नहीं मेरे साथ भी ऐसा होना चाहिए था, मेरे पास ये होना चाहिए था, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, तो मैं बहुत ज़्यादा दुखी रहूँगी। तो सोशल मीडिया एक कारण बन जाता है आपके दुखी रहने का, और दूसरों की लाइफ को देख के हमको ऐसा लगता है कि हमारे पास भी ये होना चाहिए, हमारे पास जो है हम उसको देखना ही नहीं चाहते होते हैं। तो ये मेरा एक आप लोगों से विनम्र क्या बोलेंगे कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और हम लोग जो दिखाते हैं वो उतना ही दिखाते हैं, तो बट ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल फेक होता है, ऐसा नहीं है, और ऐसा भी नहीं है कि यार आप जैसे आपके घर में कोई मेहमान आया है तो आप उसको हर कुछ थोड़ी दिखा दोगे, जो आपके साथ में रहते हैं उन्हीं को पता ना कि आपकी ज़िंदगी कैसी है, कितना दुख है, कितना दर्द है, कितनी कितनी खुशी है, और हर कोई परफेक्ट नहीं होता है।
सो ये मैं एक बोलना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम शॉर्ट्स या व्लॉग या कुछ भी अगर आप देखते हो, मैंने ये खरीदा वो खरीदा या ये कुछ भी लाइफ देखते हो, भाई इनका तो बहुत अच्छा सही चल रहा है, मेरी ज़िंदगी क्यों ख़राब हो गई, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ऐसा नहीं होता है। हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी लाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने ऊपर फोकस करो। जो हमें मिल गया वो हमारी किस्मत है, जो हमें नहीं मिला उसके ऊपर कभी भी सोचना नहीं है और ना दूसरों को देख के अपनी जिंदगी को खराब करना। ओह एरोप्लेन, चॉपर है ये चॉपर। हम दोनों भागे कि एरोप्लेन हमारी बिल्कुल यहाँ से गया ना खिड़की से। ये भाई क्या तो हड़ो ना हड़ो ना हड़ो। ये है दीपू और आंचल के रूम से व्यू, कितना मस्त है ना। हमारे हर रूम से बहुत बहुत मस्त, पर यहाँ से ज्यादा बेटर है। मेरे बेडरूम के सामने तो मतलब वो फ्लैट है और यहाँ से तो मस्त। ट्रेन भी, ट्रेन जाता है ना भाभी, ट्रेन भी एरोप्लेन भी सब यहाँ से दम साफ आता है। एकदम मस्त वाली धूप निकली हुई है, ग्रीनरी ही ग्रीनरी। मैं भी बिल्कुल ऐसे ऐसे गया, ऐसे में कहीं ये क्या हो गया। एरोप्लेन नहीं, थिंक चॉपर था छोटे वाला। मन तो है कि मैं अपने हेल्पर को बोलूं तेल लगाऊं, लगाए सिर में। पर मैंने रात को हेयर वॉश करा था तो फिर मैं आज हेयर वॉश नहीं करना चाहती बिल्कुल भी, इसलिए आज मैं तेल नहीं लगाऊंगी, परसों लगाऊंगी। आज कल किया, आज परसों, हाँ परसों हेयर वॉश करने से पहले थोड़ा सा ऑयलिंग कर लूंगी, क्योंकि मैंने ऑयलिंग शायद 10 दिन हो गए मैंने नहीं करी है। मौसम बारिश वाला हो गया यार, मुझे लग रहा लगने वाली है, तो ये तो बिल्कुल नहीं सूखेंगे। ऐसा पता नहीं क्यों होता है, मैंने तो आज वेदर भी चेक किया था अच्छे से कि आज तो बारिश नहीं आएगा, बट बारिश आ गया। मैंने रोस्ट करके रख दी, बस थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। हम दोनों रोज मूंगफली खाते हैं, कभी मूंगफली कभी बादाम, इतने इतने खा लेते हैं। उसके बाद नींबू पानी, कोकोनट वाटर, ऐसे खाना मैंने यहाँ पे ढक के रख दिया, खीरा काट के रख दिया और सब रोटी बना के रख दी, चुकंदर काट के रख दिया, बस थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी इसलिए मैंने इसको ऐसे रखा। कोकोनट वाटर मैंने कल 3 ऑर्डर करे थे, एक तो मैंने पी लिया था शाम को और 2 अभी हैं जो मैं थोड़ी देर में पीऊँगी। पीछे कर्टन ऊपर को उठा के रखे हैं, मुझे था कि कुशन सूख जाएंगे तो फिर मैं यही वाले लगा दूँगी कवर इसके ऊपर, लेकिन वो सूखे ही नहीं और मुझे नहीं लगता सूखेंगे, इसलिए मैंने सोचा ऐसे थोड़ी देर करना है तो फिर गंदा हो जाता है, हल्का सा भी कुछ लगे ना इसके ऊपर तो गंदा हो जाता है। और सिर पर दूसरी वाली रूम में झाड़ू लगा दे, जब हम झाड़ू लगाते हैं ना तो कारपेट को ऐसे थोड़ा सा इकट्ठा कर लेते हैं, पीछे कर्टन वगैरह उसको ऊपर को इकट्ठा कर लेते हैं, और उनको ना वो हो रहा है, गुस्सा आ रहा है पता है क्यों। मैंने कुछ ऑर्डर किया हुआ था कब का, अभी का नहीं, 25 दिन हो गए होंगे उसको, उसको बनने में टाइम लगता है। सो मुझे था कि शायद वो जल्दी आ जाएगा, क्योंकि फिर हमारे ना और भी काफ़ी सारे प्लान हैं, तो अगर वो नहीं आया तो फिर मुझे गुस्सा आता है बहुत ज़्यादा। मतलब वो पता कोई ऐसे प्रॉमिस करे कि भाई नहीं 4 दिन में इट विल बी रेडी एंड नेक्स्ट 3-5 डेज में आपके पास पहुंच जाएगा, लेकिन 25 दिन ऑलरेडी हो चुका है, तो इस वजह से कभी कभी मेरा इतना मूड ख़राब हो जाता है ना, स्पेशली झूठ बोलने पे। मतलब कभी कभी इशू समझ में आता है, बट कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती ना, उस दिन कर्टेन बहुत लंबे आ गए और साइड बोर्ड जो है मतलब बेड साइड टेबल वो थोड़े ऐसे आ गए, तो कभी कभी मूड मेरा ऐसे हो जाता है, गुस्सा जैसे आता है कि यार लोग ऐसे झूठ क्यों बोलते हैं, फिर शांत हो जाती हूँ मैं। और अभी मेरे को चाय पीने का बहुत दिल कर रही है, मैंने एक ही बार चाय पी है सुबह से, नहाने के बाद तो और कभी कभी दिल कर जाता है पीने का चाय। और आजकल हर रोज मतलब 2 बार या 3 बार मैं नहा लेती हूँ, क्योंकि मुझे गर्मी लगनी पड़ती है। वेदर ठीक तो हो रहा है, और अभी न्यूज़ में आ रहा था कि इस बार बहुत ज़्यादा ठंड पड़ेगी। अच्छा लग रहा है ना ये कलर भी, अब इन 2 को मैं उठा के रख दूंगी क्योंकि 2 ही लगाऊंगी कल, फिर वही वाला कवर फिर से इसके ऊपर चढ़ा दूँ। सर्दियों के कपड़े मेरे ना इस वाले उसमें थे तो मैंने वो निकाल दिए, और ये वाली मेरी शॉल, ये भी छोटी हो गई यार, पता नहीं कैसे मतलब कैसे रखी इनको। एक तो रेड वाली इतनी अच्छी शॉल थी, वो भी छोटी होगी धोने के बाद। इसके ऊपर लिखा भी, अब ड्राई क्लीन भी यार कौन, यहाँ भी तो है भी नहीं ड्राई क्लीन वाला, तो कौन करवाए। तो कुछ कपड़े थे मैंने वो निकाले, धुलने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बदबू नहीं आई इसमें से, कितनी प्यारी, मतलब ये मुझे कलर काफ़ी पसंद है, मुझे अच्छा लगता है ये वाला कलर। और वैसे भी अगर कहीं ट्रैवल करूँ ना तो अगर
ये स्टॉल की जैसी तो है, तो अगर आप इसको साथ में कैरी करते हो तो सही रहता है। अभी आगे आगे मौसम तो ठंडा होने वाला है, यहाँ पे तो ठंड आएगी नवंबर में, मतलब अक्टूबर में मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। अभी ये सितंबर का वेदर है ना, लाइक विद इन अ वीक अभी मॉर्निंग का मौसम अच्छा होता है, इवनिंग का थोड़ी ह्यूमिड हो जाता है, बट वेदर अच्छा हो जाता है। लेकिन अक्टूबर स्टार्टिंग में तो बहुत अच्छा हो जाता है। और मतलब यहाँ के लिए नहीं, मैंने वैसे ही थोड़े से मोटे कपड़े निकाल के रखा है। एक मेरी ये वाली वो है स्वेट शर्ट है, मतलब इतनी गर्म नहीं है, नॉर्मली आप इसको एसी में पहन सकते हो, बिना एसी बंद किए तो नहीं पहन पाएंगे। मेरे को अभी ना बड़ा मन कर रहा है चाय पीने का, और जिनकी वजह से मुझे गुस्सा आ रहा था ना, मैंने उनको बोला कि आप मेरा ऑर्डर कैंसिल कर दो, फिर बाद में मैंने सोचा मैंने कोई बात नहीं क्योंकि यार 25 दिन लग गया, अभी और टाइम, अभी 15 दिन और लगेगा, ये भी नहीं कि लाइक विद इन अ वीक आ जाएगा। तो फिर उन्होंने बोला मैम हम कुछ करते हैं, थोड़ा डिले हो गया एक्चुअली, उनको भूल गया कि क्या करना है। तो फिर मैंने बोला ठीक है। और ये है इनका हमने शादी में लिया था, बड़ा अच्छा रहता है ऐसा सदरी टाइप, मुझे काफ़ी पसंद है ये सदरी वगैरह। तो इसको तो प्रेस करके रखना है, पर मैंने सोचा अभी निकाल लिए तो बाद में फिर जब पहनना होगा तब। कभी कभी ना सर्दियों में से, सर्दियों में ना कुछ कपड़े ऐसे निकलते, ये पेन कुछ ना कुछ निकलता है, देखो पेन निकल गया, या कभी कभी पैसे निकलते हैं। एक बार पता नहीं मम्मी का था क्या था, उसमें से 500 रुपये निकला, हम तो बड़े खुश हो गए, और जिसका निकलता था ना फिर वो रख लेता था, क्योंकि ऐसे बोलते हैं कि यार मतलब मिल गया था, हमने सोचा भी नहीं था। तो मैं जब भी कपड़े कुछ ऐसे निकालती हूँ ना तो मैं चेक करती हूँ, मेरे में से तो कभी भी नहीं निकलता, इनके से कभी कभी निकल जाता है 100 रुपया 200 रुपया ऐसे कुछ ना कुछ। एनीवेज अभी हम चाय बनाते हैं, और सर्दियों की जो दस्तक होती है ना ये बड़ी खूबसूरत होती है, और त्योहारों की दस्तक, जैसे अभी पप्पा के दिन चल रहे हैं। सो मतलब ये मौसम अपने आप में एक ऐसा पॉजिटिव लेके आता है ना आपके अंदर, कि आप बस पूछो मत। एंड घर जाना होता है जो मेरी तरह लोग बाहर रहते हैं तो और भी एक्साइटमेंट होती है। हम लोग का प्लान बन रहा है घर जाने का दिवाली पे, दिवाली के आसपास जाएंगे। वैसे पता मुझे कब अच्छा लगता है घर जाना, नवरात्रि पे, क्योंकि तब ना हमारे गांव में बहुत रौनक लगी होती है, रामलीला होती है, और उस टाइम बहुत अच्छा लगता है। दिवाली पे भी अच्छा लगता है, बट रामलीला वाले दिन जो 9-10 दिन होते हैं ना, और उससे पहले जो प्रिपरेशन होती है, वो ज़्यादा मेरे को मन होता है। ऐसे मेरा मन करता है कि दिवाली भी देखूँ वहाँ पे, दशहरा भी देखूँ, बट इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो प्लान तो दिवाली पे ही जाने का है, बाकी देखते हैं कैसे क्या बनता है, क्योंकि अभी हमने टिकट वगैरह बिल्कुल नहीं निकाला है। ये है मेरी चाय, इसमें मुश्किल से मतलब 4 घूंट आते हैं, आप आइडिया लगाओ इतना सा कप है, छोटा सा, पता नहीं व्लॉग में कितना दिख रहा होगा। तो मेरा मतलब क्या बोलते हैं उसको, हुड़क भी पूरी हो जाती है चाय की, फिक्की चाय बनाई है मैंने, और अच्छा भी लगता है मुझे। इसी के साथ मैं इस व्लॉग को एंड करती हूँ। यार बारिश लग गई, फिर मैंने कपड़े उठा के अंदर रख दिए, और अब धूप निकल गई, मतलब अभी अभी की बात है, फटाफट भागी भागी आई इधर को। ये देखो पत्ते भी ना, ये देखो गीले हैं, बारिश एकदम से मुझे लगा यार सब कपड़े भीग जाएंगे, और अब धूप, पता नहीं क्या। आपसे मिलती हूँ नए व्लॉग में, खुश रहो, मुस्कुराते रहो, चाय पीते रहो, और कहाँ कहाँ बारिश लगी है कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना। मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ मेरी चाय से ना ठंडी हो जाए।